मुंडा, इन सभी जनजातीय नायकों के स्वर साहस, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक बन चुके हैं। आज हम उन्हें नमन करते हुए देश भर के अमर नायकों और बलिदानियों को भी नमन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, गुंडाधुर जैसे समस्त जनजातीय नायकों और बलिदानियों को भी हम आज के इस अवसर में नमन करते हैं। आज का यह अवसर इस बात पर नमन करने का भी है कि जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूल चिंता क्या थी। हम पाते हैं कि जब जब संस्कृति पर हमला हुआ है, जनजातीय समाज ने इसका तीव्र प्रतिकार किया है। जनजातीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करने वाली संस्कृति है। यह संस्कृति सौहार्दता की संस्कृति है। यह संस्कृति परस्परता की संस्कृति है। यह संस्कृति शांति और सद्भाव की संस्कृति है। यह संस्कृति कलाओं से प्रेम करने वाली संस्कृति है। इसलिए हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। जनजातीय संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता के समान है। जनजातीय संस्कृति का गौरवगान सनातन संस्कृति का गौरवगान ही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि केंद्र में हमें आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा संवेदनशील प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त है। भारत के जनजातीय समुदायों के उत्थान और उनके अशोकगान की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उतने काम इससे पहले कभी नहीं हुए। मैं आज के इस अवसर पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाकर इन कामों की शुरुआत की थी। हमारे ये नेता भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संस्कारित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनजातीय समुदायों को सम्मान दिया है। भाजपा की पहल पर आज जनजातीय समुदाय की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं। वही सर्वोच्च पद पर भारत का मान बढ़ा रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय से आने वाले मूल जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान, ये दो ऐसे क्रांतिकारी कदम हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए उठाए हैं। इन योजनाओं से न केवल जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर होगा। अंग्रेजों के समय जनजातीय समाज भारतीय समाज का सबसे उपेक्षित अंग रहा है। यह सिलसिला कांग्रेस के काल में भी जारी रहा। इतने विशाल समुदाय की उपेक्षा करके देश के विकास के केवल खोखले दावे ही किए जा सकते थे, विकास नहीं किया जा सकता, और कांग्रेस ने यही किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदायों की शिक्षा की चिंता की। उन्होंने इन समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों का विस्तार किया है। जनजातीय समाज की आय में बढ़ोतरी के लिए वन धन योजना शुरू की है। इससे इन समुदायों को वनोपजों की बेहतर कीमत मिल रही है और रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा हो रहे हैं। मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना में जनजातीय समुदायों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है। मोदी सरकार में जनजातीय समाज के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत बनाया है। देश भर में वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। यह सरकार जनजातीय समाज को
उसके इतिहास, उसकी विरासत और उसकी संस्कृति के नजरिए से देखने वाली सरकार है। इसी के आधार पर हमने जनजातीय क्षेत्रों के विकास की रणनीति तय की है। इतिहास में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज एक समय ज्ञान और संपदा से संपन्न समाज था। आश्चर्य इस बात का है कि बाद के कालखंड में यह समाज इतना पिछड़ गया कि इनकी गिनती भारत के सबसे पिछड़े समुदायों में होने लगी। एक समय था जब सिरपुर जैसे ज्ञान के केंद्रों में शिक्षा लेने देश विदेश के लोग यहाँ आते थे। बाद के कालखंड में यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में अशिक्षा का अंधकार छा गया। एक समय यह था जब जनजातीय योद्धा भारत के सबसे शक्तिशाली मुगल राजवंशों की चूल्हे हिला देते थे। फिर वह समय आया कि यहाँ का जनजातीय समाज सबसे शोषण और अत्याचार का शिकार हो गया। हमारी सरकार जनजातीय समाज के उसी गौरव और वैभव को वापस पाने के लिए काम कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार को केवल 11 महीने के अल्प समय में छत्तीसगढ़ में 31,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना स्वीकृत हुई है। राज्य में अनेक महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है। जगदलपुर में हवाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इसी तरह रायपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ी है। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में भी मोबाइल तारों की स्थापना की जा रही है। 11 महीने में ही हमारी सरकार छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और ये डबल इंजन की सरकार के कारण ये संभव हो रहा है। हम लोग ऐसे संवेदनशील जिलों में नियत नेलनार योजना लागू करते, वहां सरकार की सारी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों को आज हमारे मुख्य अतिथि जी को सुनना है और इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए छत्तीसगढ़ को आगे विकास के दृष्टि से बढ़ाने के लिए। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे केंद्र के खेल मंत्री यहां पर उपस्थित हैं, जिनके प्रयास से पूरे देश में काफी खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो जसपुर में भी खेल के अनेक प्रतिभाएं हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आज के इस अवसर में यहां पर एक अच्छा स्टेडियम का निर्माण हो, इसके लिए आप 20 करोड़ रुपए की घोषणा करेंगे। और मैं अंत में फिर से आज के इस धरती के वीर पद यात्रा में शामिल होने आए आज के मुख्य अतिथि और आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद।